नीतीश कुमार इन दिनों सियासी मूड में है। जब से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है जदयू में, कहीं ना कहीं लगता है नीतीश कुमार की सोई हुई जो बुद्धि थी, जो राजनीतिक बुद्धि थी, ऐसे तो उनकी बुद्धि हमेशा जागी ही रहती है, लेकिन जो बुद्धि उनकी कुछ सो गई या अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, बहुत चुप नजर आए थे, सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं उस पर अब फ्रंट फुट पर आ गए नीतीश कुमार और अब डील फाइनल करने के मूड में आ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे। कल यानी सोमवार को नीतीश कुमार 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर निकल चुके हैं। कहा जा रहा है कि वह वहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उनके साथ साथ और भी कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और इस बार वह सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है उसे फाइनल करके ही लौटेंगे। कहीं ना कहीं जब से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है उसके बाद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आ गए हैं और लगातार अपनी जो सीट शेयरिंग की बात है उसे कहीं ना कहीं फाइनल करते हुए दिख रहे हैं। वहीं सूत्रों से जो खबर निकल के आ रही है वो ये भी आ रही है कि एक तरफ बीजेपी भी लोजपा से सीट शेयरिंग पर बात कर रही है, तो ये सबसे ताजा खबर है कि नीतीश कुमार तीन दिवसीय दौरे पर जो गए हुए हैं दिल्ली में, वह वहां से सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है उसे फाइनल करके ही लौटेंगे। और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो साथ में आ गए, अब इतने बड़े चाणक्य के साथ में आ गए तो जाहिर सी बात है 2 दिनों में कुछ ना कुछ बुद्धि हासिल हो गई होगी, उन बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और चले गए हैं दिल्ली। वहां पर स्वास्थ्य के अपने कुछ जांच भी होगी, उनके कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं उसे भी दूर किया जाएगा, वो अपना इलाज भी कराएंगे। साथ साथ जो बड़ी बीमारी है सीट शेयरिंग को लेकर, जो मानसिक बीमारी हो गई है सभी को, उनके साथ साथ उनके दल के नेताओं को भी ये मानसिक तौर पर एक बीमारी हो गई है, सीट शेयरिंग का जो मुद्दा उनके दिमाग पर चढ़ गया, कहीं ना कहीं वो इस बीमारी का इलाज भी कराकर ही लौटेंगे। सूत्रों से माने खबर तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ उनकी बैठक भी होनी है, कई बड़े नेताओं के साथ वो मुलाकात भी करेंगे और सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है उसे फाइनल करके ही आएंगे। अब क्या कुछ सीट मिलता है नीतीश कुमार को, 25 मिलता है, 15 मिलता है, 10 मिलता है, इन सभी मुद्दों पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई सीट निकल के आता है, अटकलें तो बहुत लगाई जा रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई फाइनल रिजल्ट आता है हम हर पल हर खबर के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।